उत्तराखंड की धामी सरकार अपना पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। 8 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए FRI कैंपस सज संवर चुका है और बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री सहित खास मेहमानों का। समिट का मुख्य आयोजन जिस पंडाल में होना है उसमें खास तौर से तैयारियां की गई हैं, साथ ही अलग अलग केबिन बने हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ जो लोग बैठेंगे वो प्लैटिनम ब्लॉक में बैठेंगे, इसके बाद आगे डायमंड और गोल्ड ब्लॉक बने हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड के विकास की गाथा को भी फिल्मों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने पंडाल की तैयारियों का जायजा लिया है, आइए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य कार्यक्रम इसी पंडाल पर होना है और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि तैयारियां वैसे तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो अंतिम चरण में देखा जाता है कि कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई है, उस तरीके की टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। दिल्ली से आए हुए सुरक्षा अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी इसको सजाने संवारने की दी गई है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चीजों की दी गई है, वो लोग भी इस समय अंतिम दौर की चीजों को देख रहे हैं इस पंडाल में जहां ये मुख्य कार्यक्रम होगा, यानी प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। वहां पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए सीटें लग गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर बैठेंगे। और उसके बाद जो ये वाला जो फर्स्ट पहला वाला केबिन है इसको प्लेटिनम नाम दिया गया है, यानी कि ये प्लेटिनम एक किस्म से केबिन होगा और इसमें प्रधानमंत्री के साथ अति विशिष्ट अतिथि बैठेंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड रो की बात करें तो वो डायमंड कह सकते हैं कि घेरा है, सेकंड रो जो है वो डायमंड है। यहाँ पर भी जाने माने लोग बैठेंगे, जो उद्योग जगत के कई शख्सियतें हैं वो यहाँ पर बैठेंगी, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे। और उसके बाद जो लास्ट रो आती है, यानी कि जो लास्ट वाला केबिन है वो है गोल्ड, उसमें पत्रकार दीर्घा भी होगी, उसमें उत्तराखंड के निवेशक भी होंगे, इसके अलावा कई अन्य इनवाइटी उसमें बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से तीनों जो तीन पार्ट हैं उन्हें सजाया संवारा गया है, उनकी एंट्री का खास ध्यान रखा गया है। और अगर मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो ये मंच कह सकते हैं कि बिल्कुल तैयार है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड। इसमें उद्घाटन समारोह होगा, एक तरफ आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का फोटो है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का फोटो है, दिखाया गया है कि किस तरीके का उत्तराखंड है, वहीं उत्तराखंड की पहाड़ियां भी दिखाई जा रही हैं, यानी कि बिल्कुल अलग थीम होगा। और प्रधानमंत्री की एंट्री भी कुछ खास अंदाज में मंच पर होगी। मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत उत्तराखंड के अलग अलग जो यहाँ की बोली भाषाएं हैं उनमें मांगल गीत के माध्यम से किया जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरफ निवेशकों को यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, इसके अलावा आप प्रधानमंत्री जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसका भी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, और जो अन्य निवेशक हैं जिन्होंने अभी तक करार नहीं किया है वो भी यहाँ पर बहुत सारी बातों को रखेंगे और वो क्या तोहफा उत्तराखंड को देने जा रहे हैं उसका भी खुलासा होगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने के लिए देश के जाने माने औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कह सकते हैं कि उत्तराखंड को जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है, और सबसे बड़ी बात कि उनके चहेते प्रधानमंत्री मोदी उनके प्रदेश में होंगे। और एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी रिटर्न तोहफा क्या उत्तराखंड को देखे जाते हैं। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।